सीएम ममता बनर्जी के अहंकार के कारण बंगाल के किसान केंद्र सहयोग से है वंचित, कुछ ऐसा ही कहा कैलाश विजयवर्गीय ने। सिलीगुड़ी में अटल वार्ता में हिस्सा लेने आए भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता पर लगाया विस्फोटक आरोप। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दंभ एवं अहंकार के कारण पश्चिम बंगाल के किसान आज केंद्रीय सहयोग से वंचित है, यह विस्फोटक आरोप लगाया है भाजपा के केंद्रीय मंत्री एवं पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय ने। शुक्रवार को सिलीगुड़ी में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई तो किसानों को उनका वाजिब हक दिलाएगी। वे सिलीगुड़ी महकमा अंतर्गत नक्सलबाड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम अटल वार्ता में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य के एक किसान सीधे तौर पर केंद्र सरकार की आर्थिक मदद का लाभ उठा रहे हैं, सिवाय पश्चिम बंगाल के। भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संदेश का प्रसारण किया गया। इस अवसर पर भाजपा के केंद्रीय नेता व पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय, सांसद निशित प्रमाणिक, भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल समेत अन्य भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित थे। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के देश के प्रति योगदान का उल्लेख करते हुए कार्यकर्ताओं से उनके सिद्धांत पर चलने का आह्वान किया। देखिए, आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, ये नक्सलबाड़ी है। किसानों के उद्धार के लिए यहाँ से लाल क्रांति प्रारंभ हुई थी। आज मुझे आश्चर्य हुआ जब मुझे केसरिया तिलक लगाकर बहनों ने स्वागत किया। यहाँ पर अब केसरिया क्रांति है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश का विकास हो रहा है, किसानों के लिए कृषि सुधार बिल आया है। ये कृषि सुधार बिल किसानों के हित के लिए है। प्रधानमंत्री ने आज ऐतिहासिक काम किया, 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 हज़ार करोड़ रुपया सीधा भिजवा दिया। अभी 1 घंटे के अंदर हमारे सामने, पर बंगाल का किसान इससे वंचित है, क्योंकि दीदी कहती है कि पहले मेरे खाते में पैसा डालो। क्यों दीदी के खाते में क्यों डालें? क्या वहाँ पर भी कट मनी चाहिए? जब सारे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री एक बटन दबाकर सीधा पैसा पहुँचा देते हैं, तो बंगाल के किसानों को क्यों वंचित किया गया? ये जो प्रश्न चिन्ह है, इसलिए कि यहाँ पर कट मनी वाले बिचौलिए हैं, इसलिए कि यहाँ पर सिंडिकेट के नेता हैं, जो कृषि मंडी में किसानों की उपज खरीदने के नाम पर 5 से 6% तक कमीशन लेते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ममता जी राजनीति कर रही हैं पर किसानों का नुकसान कर रही हैं। सारे देश के किसानों के पास पैसा पहुँच रहा, पर बंगाल के किसानों के पास पैसा नहीं पहुँच रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों के नाम पर, क्योंकि देश का लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 95% किसान इस आंदोलन से दूर है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस कृषि सुधार बिल से किसानों का हित है। आज MSP समाप्त नहीं हो रही है, आज मंडियां समाप्त नहीं हो रही है, किसानों को एक विकल्प मिला है। किसान चाहे तो MSP पर मंडी पर अपना अनाज बेच सकता है, अपना उत्पादन बेच सकता है, पर यदि उसे ज़्यादा भाव में मंडी के बाहर खरीदार मिलता है तो वो उसको भी बेचने का उसको विकल्प मिल गया। इससे आपने अभी देखा जो वीडियो दिखाया गया कि किसानों ने पिछले साल की तुलना में डबल कीमत पर, 2.5 गुना कीमत पर शकरकंद अहमदाबाद में बेचा, तो ये किसानों का विकल्प खुल गया है। किसानों की आय दोगुनी हो, इसमें यह कृषक सुधार बिल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यह आंदोलन करने वाले लोग कहाँ से जुड़े हैं, किस प्रकार आंदोलन कर रहे हैं किसानों के नाम पर, ये देश को समझने की बात है। देश का किसान, इस आम किसान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है, वह इस कृषि सुधार बिल से खुश है। ये सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की आएगी यहाँ पर, तो पुराना पैसा भी किसानों को देने के लिए केंद्र सरकार के दबाव डालेगी। लगभग
10,000 करोड़ रुपया बंगाल का अभी भी केंद्र सरकार के पास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इन सब किसानों को इनके सीधे खाते में पैसा डालेगी। देखिए, जब पैसा किसान के पास आएगा, किसान बीज खरीदेगा, वो बीज वाला बाजार में सामान खरीदेगा। आप समझ सकते हैं बंगाल की इकोनॉमी में 10,000 करोड़ रुपए का कितना महत्व है। पर दीदी अपने सत्ता के अहंकार के कारण पश्चिमी बंगाल के किसानों का कितना नुकसान कर रही है, व्यापारियों का कितना नुकसान कर रही है, ये समझने वाली बात। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक, काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा, प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टेक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायतीदा घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। मलाई कोल्ड कफ भएको थियो, मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे भयो, एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ, खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने, त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, एचडी लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा सपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ latest technology के साथ सभी brand की गाड़ियों की servicing होती है, 20 minute में ही car wash, in-house automatic color बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही call कर appointment book कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF Road, Salugada, Siliguri।